हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास हिंदी सब्जेक्ट में पद्य भाग में सेकंड लेसन लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पहले वाले पद्य में पढ़ा था कि सीता के स्वयंवर में श्री राम के द्वारा जब शिव धनुष भंग हो जाता है तो परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित होकर महासभा में आ जाते हैं और किस तरह से लक्ष्मण और परशुराम के बीच में आवेश युक्त शब्दों से संवाद होता है। हमने पहले वाले पद्य में पढ़ा था कि किस तरह से परशुराम जी लक्ष्मण पर अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और उनको व्यंग्य भरे शब्दों में उचित अनुचित बातें कह देते हैं। तो उनके व्यंग्य भरे शब्दों को सुनकर, व्यंग्य भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण जो है वो अत्यधिक क्रोधित हो जाता है। तो लक्ष्मण उनको आवेशयुक्त शब्दों से लक्ष्य करके कहते हैं, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी अहो मुनीसु महाभटमानी। बिहसी अर्थात हंसकर, मृदुबानी अर्थात मधुरवानी, भट्टमानी अर्थात महान योद्धा। तो लक्ष्मण परशुराम जी को लक्ष्य करके कहते हैं, बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी। लक्ष्मण कोमल वाणी में अर्थात मधुर वाणी में हंस कर कहते हैं, ओहो मुनिसु महाभट्टमानी, कि हे मुनिवर, आप अपने आप को महान योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखावा कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। पुनि पुनि अर्थात बार बार, कुठारू अर्थात कुल्हाड़ा, पहारू अर्थात पहाड़। पुनि पुनि मोहि दिखावा कुठारू, हे मुनिवर, आप मुझे बार बार अपने हाथ में ये कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहारू, मानो आप फूंक से जो है पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कुंभड़ बतिया को नाई, जे तर्जनी देखी डरी जाई। इहां अर्थात यहाँ, कुंभड़ बतिया अर्थात छुई मुई का पौधा, या हम कह सकते हैं बहुत ही कमजोर या नाजुक जो छूते ही टूट जाए। तर्जनी अर्थात अंगूठे के पास वाली उंगली। तो लक्ष्मण है वो परशुराम को कहते हैं कि इहां कुंभड़ बतिया को नाई, कि यहाँ पर जो है कोई भी छुई मुई के पौधे के समान नहीं है, अर्थात कमजोर या डरपोक नहीं है। जे तर्जनी देखी डरी जाए, जो आपकी तर्जनी को देखकर डर जाए, अर्थात आप हमें जो है इस तरह से धमकाएं, डराएं और हम डर जाएं। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहां सहित अभिमाना। कुठारू अर्थात कुल्हाड़ा, सरासन बाना अर्थात धनुष बाण, अभिमाना अर्थात अभिमान पूर्वक। तो लक्ष्मण परशुराम को कहते हैं कि देखी कुठारू सरासन बाना, कि मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा और कंधे पर धनुष बाण देखकर ही मैं कहूँ कहा कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने आपको कुछ अभिमान पूर्वक कहा है। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहऊ रिसरोकी। भृगुसुत अर्थात भृगुपुत्र परशुराम, जनेऊ अर्थात यज्ञोपवीत, बिलोकी अर्थात देखना, रिस अर्थात क्रोध। तो लक्ष्मण परशुराम को कहते हैं कि भृगुसुत समझी, कि मैंने आपको भृगुपुत्र समझकर जनेऊ बिलोकी और आपके यज्ञोपवीत को देखकर ब्राह्मण समझा। जो कछु कहू सहु रिस रोकी, और आपने मुझे जो कुछ भी उचित अनुचित बातें कही उसको मैंने आपको ब्राह्मण समझकर अपने क्रोध को रोककर सहन किया अर्थात सुना। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। सुर अर्थात देवता, महिसुर अर्थात ब्राह्मण, हरिजन अर्थात भक्तजन, अरु अर्थात और, गाई अर्थात गाय, सुराई अर्थात वीरता। तो लक्ष्मण कहते हैं कि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, कि देवता, ब्राह्मण, भक्तजन और गाय,
हमरे कुल इन्हा पढ़ना सुराई, हमारे कुल में इन चारों पर कभी वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। बंधे पापु अपकीर्ति हारे, मारतहु पापरिय तुम्हारे। अपकीर्ति अर्थात अपयश, मारतहु अर्थात मारने पर, पा अर्थात पैर, परिय अर्थात पढ़ना। तो लक्ष्मण परशुराम को कहते हैं कि बंधे पापु, कि अगर मैं आप जैसे ब्राह्मण को मार देता हूँ, अर्थात मेरे द्वारा आपका वध हो जाता है, तो मुझे पाप लगेगा। अपकीर्ति हारे, और मैं आपसे हार जाता हूँ तो मेरा अपयश होगा। मारतहु पाप परिय तुम्हारे, और अगर मैं आपके द्वारा मार दिया जाता हूँ तो भी मुझे आपके चरणों में आकर ही गिरना होगा। कोटि कुल से सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। कोटि अर्थात करोड़ों, कुलिस अर्थात वज्र या कठोर, बचनु अर्थात वचन, धरो अर्थात धारण करना, धनु बाण अर्थात धनुष बाण, कुठारा अर्थात कुल्हाड़ा। तो लक्ष्मण परशुराम को कहते हैं कि कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, कि तुम्हारे वचन जो है वो भी करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। व्यर्थ धरो धनु बाण तुम्हारा, तो आपने जो है व्यर्थ ही रूप में धनुष बाण और कुल्हाड़े को धारण कर रखा है, अर्थात आपके वचन ही इतने कठोर है, तो आपने व्यर्थ में ही इन धनुष बाण को जो है हाथ में ले रखा है। जो बिलोकी अनुचित कहेऊ क्षमऊ महामुनि धीर। बिलोकी अर्थात देखना, क्षमऊ अर्थात क्षमा करना, महामुनि धीर अर्थात महान मुनि, धीर अर्थात धैर्यशाली। तो लक्ष्मण परशुराम को कहते हैं कि जो बिलोकी अनुचित कहो, कि अगर मैंने आपके इन धनुष बाण और कुल्हाड़ा को देखकर कुछ अनुचित कहा है, क्षमऊ महामुनि धीर, तो हे धैर्यशाली, धैर्य धारण करने वाले महामुनि, आप मुझे क्षमा करें। सुनी सरोष भृगुवंश मनि, बोले गिरा गंभीर। सरोष अर्थात क्रोध सहित, भृगुवंश मनि अर्थात परशुराम, गिरा अर्थात वाणी। तो इस तरह से लक्ष्मण के इन व्यंग्य भरे वचनों को सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और वो कहते हैं, सुनी सरोष भृगुवंश मनि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण के व्यंग्य भरे वचनों को सुनकर भृगुवंश मनि अर्थात परशुराम क्रोध सहित अपनी गंभीर वाणी में बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो है आवेश युक्त शब्दों में, व्यंग्य भरे शब्दों में जो है संवाद होता है। हम देखते हैं मुनिसु महा, तो यहाँ पर देखेंगे कि म वर्ण आवृत हो रहा है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। पुनि पुनि तो शब्द आवृत हो रहा है तो पुनरावृत्ति अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार में जो है उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, और यहाँ पर भी जो है संभावना व्यक्त की गई है कि मानो आप जो है वो फूंक से पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। तो यहाँ पर संभावना है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कुंभड़वतिया को क वर्ण आवृत हो रहा है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसी तरह से कछु कहु क वर्ण आवृत हो रहा है। पापरिय कोटि कुलिस, तो यहाँ पर भी प और क वर्ण आवृत हो रहा है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि कोटि कुलिसम बचन तुम्हारा, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार के साथ में ही उपमा अलंकार भी है, क्योंकि उपमा अलंकार जहाँ पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, और यहाँ पर भी परशुराम जी के जो वचन हैं उनकी तुलना करोड़ों वज्रों के समान कठोरता से बताया गया है, उससे तुलना की गई है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। धरऊ धनु,
वर्ण आवृत हो रहा है, ध वर्ण आवृत हो रहा है, तो हम देखेंगे कि इस तरह से इस पद्य में उपमा, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और पुनरावृत्ति अलंकार है।